नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। पहला मैंने 3 पॉइंट से डील हार चुका था, दूसरी डील में जीत चुका था। यहाँ पर अच्छे कार्ड आए थे तो मैं 3 से फिनिश कर देता हूँ। तो दूसरी डील में जीत चुका था। और देखिए मैं कहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, कहाँ खेल रहा हूँ। एक जगह मैंने गलती नहीं किया था और एक जगह मैंने बच्चों की तरह रिस्क ले लिया था, वहाँ पर मेरे को फ़ायदा हो गया था। तो ये देखिए तीसरी डील है, तीसरी डील दूसरा बंदा जीत चुका है। तो दोस्तों कभी कभी रिस्क लेना भी पड़ता है, कभी कभी कहाँ पर खेलना है मैं नहीं खेलता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया था, तो ड्रॉप के मेरे स्कोर हो गया 53। और यहाँ पर मैंने खेल चुका था क्योंकि कार्ड अच्छे आए हुए थे, तो यहाँ पर मैं 3 से फिनिश कर देता हूँ। और ये डील है 36, क्योंकि तो दोस्तों ये देखिए फिनिश कर दिया है मैंने। तो मेरा स्कोर है यहाँ पर 78 है मेरा स्कोर। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने 7वीं डील मैंने ड्रॉप कर दिया था और नाइस ने यहाँ पर फिनिश कर दिया था। तो इस प्रकार से देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 8वीं डील भी मैंने ड्रॉप कर दिया था, कार्ड अच्छे नहीं आए थे। और यहाँ पर भी नाइस जीत चुका था, लगातार 2 डील ये जीत चुका है। तो 25 25 पॉइंट मेरा, 128 है उसका, 165। और एक खिलाड़ी बाहर हो गया, पाटिल, जो बार बार वापस आ रहा था अंदर। देखिए अभी अपना अमाउंट हो गया, विनिंग अमाउंट 18,000 हो गया है। वो पाटिल वापस बाहर हो चुका है, इस बार हम डील जीत चुके हैं। पाटिल यहाँ पर शायद बाहर हो चुका है ऐसा लग रहा है मेरे को, जो पाटिल ने 25 पॉइंट दे चुका है और वो 191 पर है और ये 119 पर है। तो यहाँ पर देखिए 10वीं डील हो गई, 10वीं डील। यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 मेरे पास जोकर थे और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, यहाँ पर मैंने खेला नहीं है। क्योंकि दूसरे राउंड में जो पाटिल है उसने फिनिश कर चुका था और ये नहीं खेला, इसके लिए मेरे को बहुत फ़ायदा हो गया। क्योंकि मैं जोकर के भरोसे बहुत कम खेलता हूँ। अगर छोटे छोटे कार्ड होते और जोकर होते तो मैं खेलता हूँ, बड़े बड़े कार्ड पर मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अनप्योर सीक्वेंस मतलब सब टच कार्ड भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए दूसरे राउंड में इसने फिनिश कर दिया था और केवल और के 25 पॉइंट ही दिया, नहीं तो बहुत सारे पॉइंट दे देता देखिए। क्योंकि लास्ट में मुझे 3 पॉइंट से फ़ायदा हुआ था, केवल और केवल 3 पॉइंट से मुझे फ़ायदा हुआ था। ये डील मैंने खेला था क्योंकि मेरे पास 2 जोकर आए हुए थे, एक प्योर सिक्वेंस आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ, फिनिश कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पाटिल बाहर चला गया और वापस अंदर आ गया है। तो इससे बढ़ते बढ़ते बहुत सारा अमाउंट हो चुका था, 25,000 तक हो चुका था। अभी 13वीं डील है, 13वीं डील पे मैंने ड्रॉप कर दिया है और इसने नाइस ने कर दिया है देखिए। और मैं 197 पे हूँ, एक 169 और भाई एक 185। यहाँ पर भी मैंने स्प्लिट प्राइज लेने का किया था, लेकिन दूसरे वाले ने जो नाइस है उसने थोड़ा लोभ लालच किया, वो सोचता था कि मैं जीत जाएगा तो वो यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ड्रॉप किया नहीं है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए दोस्तों मेरे पास केवल एक जोकर था और यहाँ पे मैंने क्या एक चीज़ किया था वो देखिए। कि मुझे लगा था कि 3 पॉइंट से तो वैसे भी हार सकता हूँ, क्योंकि 3 पॉइंट से वैसे भी मेरे को लग रहा था कि हार रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 10 है, 10 उठा लिया था, 10 उठा के एक सेट बना दिया था, क्योंकि प्योर सिक्वेंस तो वैसे भी नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता था अगर प्योर सिक्वेंस बन भी जाती तो कोई फ़ायदा होता नहीं। तो यहाँ पर मैंने 10 को उठा लिया था, ये 10 उठा लिया था और यहाँ पर मैंने बेगम को फेंक दिया था। अभी मुझे मेरे पास एक जोकर है, अभी एक प्योर सीक्वेंस रेडी हो जाती है तो बाद में ये मात्र एक कार्ड की ज़रूरत होगी, एक कार्ड की या एक जोकर की, ठीक है। देख तो इसने ये फेंका था और यहाँ पर मेरे को 2 मिल गया था। यहाँ पर मैं क्लोज डेस्क से कार्ड ले लिया था और यहाँ पे मुझे मिल गया था 2।
तो दो से मुझे एक प्योर सीक्वेंस, एक प्योर सीक्वेंस, एक सेट और एक, तो भगवान देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक है। यहाँ पर जे को फेंक दिया। अब देखिए मुझे चाहिए था केवल एक कार्ड, या भी मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा था कि मुझे लग रहा था ये पार्टी लेवल बोट है, क्योंकि बार बार 4-4 हज़ार रुपये होके ऐड हो रहा था। तो देखिए बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर मुझे जो चाहिए था, यहाँ पर देखिए दोस्तों मुझे कौन सा कार्ड मिला है वो देखिए आप। ये मुझे यहाँ पर डर लग रहा था कि ये पाटिल गई फिनिश न कर दे, तो ये छः तो हमारे को चाहिए नहीं था, और यहाँ पर मुझे जोकर मिल गया है। तो इस पूरे मैच में मैंने एक बात नोट किया कि जहाँ 9 जोकर था वो डील मैं जीत चुका, हर डील में मेरे को प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पर मेरे को जोकर मिल चुका था और यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया है और ये मैच मैं जीत चुका हूँ। देखिए मेरे को भरोसा नहीं था, तो ये देखिए शो करता हूँ, शो करने के बाद देखिए शो किया और यहाँ पर देखिए पाटिल बहुत ज़्यादा पॉइंट से हार चुका था, 80 पॉइंट से हार चुका था, और नाइस का मेरे को थोड़ा डाउट था कि स्प्लिट प्राइज ले लेगा, लेकिन वो भी 61 पॉइंट से हार चुका था, और ये पूरा पूरा मैच में जीत चुका हूँ क्योंकि 6,000 रुपया TDS कटा था।